जो कहा प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपया देंगे साधारण नागरिकों को, 2 करोड़ को बुजुर्गों को रोजगार देंगे। अब क्या क्या गिना, कितने कहा था, एक भी काम नहीं किया। तो आज मैं फिर दोहराना चाहते हैं अपने साथियों से कि आप दबाव दीजिए प्रधानमंत्री पे। हम तो कह चुके हैं, मिलके कह चुके हैं, उन्होंने ना तो नहीं किया, लेकिन किया नहीं अभी कुछ, ना किया नहीं। अब स्थिति ये सरकार ना करती रही है, कब करती थी, तो इसका क्या बना यहाँ तो ना कर दो तो हम गुजारो चला क्या कहें। और मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था कि अमेरिका में सबसे पहले किसान को सुविधा दी और ज़्यादा पैदावार बढ़ा दी और खरीद नहीं हुई, समुद्र में फेंकवा दिया लेकिन किसान को घाटा नहीं मर दिया, तब अमेरिका आगे पहुंचा। सबसे पहले किसान की सुविधा देने का और किसानों को प्राथमिकता दी है अमेरिका ने, उनकी बदौलत हिंदुस्तान का दुनिया में संपन्न हो गया देश। तो ये सब बैठे किसान के घरों तक आए हैं, 80% तो किसानों से संबंधित होंगे। अभी इस समय कितना लेंगे, 80% मुलायम सिंह जी फिर उन्हें क्यों भूल गए, किसानों को क्यों भूल गए, समय आपसे तो हमारी बात होती रहती है, इसीलिए मैंने कहा समय सीमा आपने भी नहीं से ज्यादा हो गया, इसलिए मैंने कहा ऐसा नहीं कहेंगे। हमारी राजनाथ सिंह जो गृहमंत्री हैं, मेरी अपील पर कुछ सुधार दी थी और हमारी बात को मान लिया था, और मानने के बाद हम से मुलाकात हुई, बातचीत हुई तो माना। आपने विरोध कभी नहीं किया, हाँ किया, देखिए कुछ नहीं ये सही है, आपने किया है कुछ, हम गलत नहीं कहेंगे, आपने किया है किसान। वो मुख्यमंत्री थे ना, इसलिए तो इसलिए हम कह रहे हैं इतनी बहस जो हो रही है ये देश को संपन्न बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए हो रही है। तो 3 बात से मान लो ज़्यादा न मान पाओ, किसान व्यापारी और नौजवान बेरोजगार नौजवान, इनको सुविधा दे दीजिए और इनको सुविधा देने से देश संपन्न हो जाएगा। इतना मेहनती किसान कहीं करेंगे, भाईचारा जितना मेहनती यहाँ पर है और यहाँ पर भाईचारा बहुत जरूरी आप जो है इसमें बहुत कोशिश की कुछ लोगों ने, नाम नहीं लेंगे आप जानते हो आपको बैठा होगा, लेकिन उसके बावजूद ही जनता ने भेदभाव नहीं रखा, जात पात का धर्म के नाम के आधार पर अभी तक जो बहुत कोशिश की गई तब भी ये चल नहीं पाया। उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध की धरती है, राम की धरती है, किसी की धरती है, और धुरिया जी ने क्या कहा था, क्या कहा था, पिछड़े पाव में शॉट साथ, पिछड़े पाव में सौ में साठ, ये कहा। समय हो गया काफी है? काफी समय हो गया, इसलिए समय हो गया जी, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सभी से मिल के, हम उसमें साथ हैं आप साथ हैं, मीटिंग बुला लो सब नेताओं की, उत्तर माननीय गृहमंत्री कम किसान को नौजवान को व्यापारियों के बारे में आपकी क्या राय, आप व्यापारी कितना परेशान है आप पता लगाइए, व्यापारी रो रहा है, ये आप कह चुके हैं कई बार, तो खरीद के चले अगर आपको राय देनी हो आप हो तो हम उसमें सहयोग कर सकते और कुछ ऐसी राय दे सकते जो आप मानेंगे उस पर चलेंगे, इसलिए हम कहना चाहता आप इजाजत नहीं दबा प्रदेश।